दोस्तों, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में नौकरी वर्तमान समय के सबसे बेहतरीन करियर विकल्पों में से एक है। इससे जुड़ा गौरव व सम्मान तो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता ही है, साथ ही सरकारी नौकरी की सुरक्षा व अन्य सुविधाएं इसे वर्तमान समय की सबसे बेहतरीन नौकरियों में से एक बनाते हैं। जो अगर आपका भी यही सवाल है कि बारहवीं कक्षा के बाद इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन करें, तो दोस्तों आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आगे देने जा रहे हैं। इसलिए जो अगर आप इस नौकरी में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही सेना नौकरी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, 12वीं के बाद इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए कई लेवल के एग्जाम होते हैं और इस नौकरी को दो भागों यानी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप एक्स इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल ग्रुप होता है और इसे ज्वाइन करने के लिए आपके पास 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर जो अगर आपके पास 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तब भी आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वही ग्रुप वाई एक नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। यहाँ 12वीं में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है और इसमें भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 2 वर्ष की कोई वोकेशनल कोर्स की डिग्री हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में 12वीं पास के आवेदन के लिए आपकी आयु सीमा को 17 से 21 साल के बीच होना चाहिए और आपकी हाइट को आपके वजन के अनुपात में कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों, इस नौकरी की चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को सबसे पहले लिखित परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट कराया जाता है और फिर उन्हें सिलेक्शन इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, फिर अंत में मेडिकल चेकअप के बाद कैंडिडेट्स की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाती है। चयनित किए गए युवाओं को एयरफोर्स एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में 6 महीने की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें क्राफ्ट्समैन यानी एक एयरमैन की रैंक दी जाती है और उनकी पोस्टिंग भारत के किसी भी प्रांत में हो सकती है। और आपको बता दें कि शुरुआत में एक एयरमैन को लगभग 45,000 रुपए प्रति माह सैलरी के रूप में मिल जाते हैं। दोस्तों, हर वर्ष इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशनों को जारी करता है और ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इन पोस्ट्स के लिए इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट एयरमैन सिलेक्शन पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करके भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें। Yeah.